केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मोदी सरकार में पदभार ग्रहण करने के बाद शनिवार को पहली बार क्षेत्र में पहुंचेंगे। कृषि मंत्रालय मिलने के बाद चौधरी राजस्थान के किसानों की आय दुगुनी करने के प्रयास में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की पहली बैठक में ही देश के किसानों के लिए अहम फैसले लिए गए। दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण ने खास बातचीत की केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से। मोदी सरकार में सबसे चर्चित और सबसे पहले और नए मंत्री की बात करें तो मेरे साथ कैलाश चौधरी मौजूद है, कृषि राज्य मंत्री। नया जो है मंत्रिमंडल उनको मिला है, पहली बार सांसद बने, उन्हीं से सीधे बात करते हैं। कैसा अनुभव है आपको, और ज्वाइन करे हुए लगभग एक सप्ताह हो गया, अब क्या कुछ तैयारी है आपकी? ऐसा है कि अभी बजट सत्र है और इस बजट सत्र के अंदर जो क्वेश्चन वगैरह आएंगे तो उनकी तैयारी पूरी की जा रही है। और साथ ही हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों की आमदनी बढ़ाने का जो किया, दुगनी करनी है, तो उसके लिए सभी अधिकारियों के साथ में बैठकें की गई है और वैज्ञानिकों के साथ भी बैठकर बैठकें की है। और मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान की आमदनी कैसे डबल हो और किसान को कैसे समृद्ध कर सकें, तो इसके लिए विभाग के स्तर पर हम सभी अभी बैठ के करके और तैयारी कर रहे हैं। और बजट के अंदर भी जैसे हमारे अच्छे निर्णय होंगे, किसानों के हित के होंगे, और अभी भी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली कैबिनेट बैठक के अंदर निर्णय लिया तो वो किसान के हित में निर्णय लिया है, जिसके अंदर किसानों के लिए किसानों के पेंशन प्रारंभ करना और किसानों के लिए जो सम्मान निधि को जिस तरह सभी के लिए, पहले लघु और सीमांत के लिए था तो अभी सभी किसानों के लिए किया गया है। और तो इस तरह किसानों के पहले निर्णय अगर कैबिनेट में हुए तो किसान हित में हुए। किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करते रहे हैं आप लंबे समय से, अब जबकि किसान अब आंदोलन करेंगे आपके खिलाफ, कैसे समझाएंगे उनको, कैसे उनके पक्ष में निर्णय होंगे? ऐसा है कि जब मैं विपक्ष में था तो उस समय जो सरकार थी, विपक्ष जो उस समय कांग्रेस की सरकार, उन्होंने किसान के हित के ऐसे कोई निर्णय नहीं लिए थे जिसकी वजह से किसान अपने आप को महसूस करे कि मैं वास्तव में जो मेरे लिए सरकार कर रही है वो अच्छा कर रही है। क्योंकि एक समय ऐसा था जिस समय कहते थे उत्तम खेती, लेकिन अब उसका उल्टा कर दिया और व्यक्ति कृषि को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के समय में और अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के समय में जो सरकार ने किसान हित में निर्णय लिए थे, तो उसकी वजह से किसानों को भी लगा कि वास्तव में ये सरकार हमारे हित की है। तो इसलिए अब आने वाले टाइम के अंदर जैसा मैंने तो उस समय जो आंदोलन किए थे या किसानों, तो वो सरकार किसानों के हित के निर्णय नहीं लेती थी, तब आंदोलन करने की आवश्यकता होती थी। धन्यवाद। तो आगे जितने भी निर्णय होंगे किसान के हित में होंगे, और अभी फिलहाल बाड़मेर की ओर रुख करेंगे और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, वहां देखने वाली बात होगी कि किसान किस तरीके से उनका स्वागत करता है। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV।